Tatiana. देश को न्याय दिलाने और संविधान की रक्षा के लिए साझा कार्यक्रम लगातार चला रहे थे। इस बीच में सबसे बड़ी घटना घटी बिहार में। आज बिहार की घटना से शरद यादव जी ने पूरे बाढ़ और बरसात में ठंडे में घूम घूम कर बिहार वासियों को जो निर्णय को पलटने का काम किया, नीतीश कुमार उसकी जानकारी और उसे बताने का काम किए थे। हम आपसे कहना चाहते हैं, जब जनपद में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा उन्हें निर्माण संविधान का उल्लंघन कर रहा है और देश में जो जनतंत्र है उसको विनष्ट करने की साजिश की जा रही है, हम आपके बिहार में आज कानून के सहारा ले रहे हैं। लेकिन हम उसे पूछना चाहते हैं, बिहार में हुआ तो उस समय कहाँ कोर्ट था, आप कहाँ बहुमत से बुलाया गया, आपको गोवा में क्यों नहीं बुलाया गया, मणिपुर में क्यों नहीं हुआ। इसका लगता है जो बिहार और देश के जनता मतदान कर रही है उसका कोई मतलब नहीं है। ये नरेंद्र मोदी देश के राज्यों में मुख्यमंत्री का और वह अपने राज्यपाल के माध्यम से चयन करना चाहते हैं और जनतंत्र नहीं राजतंत्र ये काम करना चाह रहे हैं। जब कर्नाटक में जो घटना घटी है इतना शर्मनाक घटना मैं अपने राजनीति जीवन में नहीं देखे हैं, न बिहार और देश के लोग देखे। इसलिए इस घटना के क्रम में हमारे जो लोकतांत्रिक जनता दल का जो आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक प्रस्ताव हुए हैं उसका हम समर्थन करते हैं। अब कहना चाहते हैं, देश में जब तक गरीब शोषित दलित अकलियत के लोग एकजुट होकर इस संघर्ष करके इसका जो प्रवर्तन जो इनका आदेश है इनका निर्णय है उसको रोकने की जरूरत है। हम जेल जा सकते हैं लेकिन हम उनके द्वारा है संविधान को विनष्ट करने का हम उनको उनकी इजाजत नहीं देंगे, इस काम को अंजाम करने का उनका मौका नहीं देंगे। हम गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, जाति के नाम पर धर्म के नाम पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन हम उनके बैठे हुए हैं। हम जानते हैं कांग्रेस के जमाने में भी हम संघर्ष करते थे, ऐसा चार पास में जो किया है कांग्रेस के उतने दिनों में ऐसा नहीं हुआ। आज वो कर रहे हैं नरेंद्र मोदी देश का जो हम कहाँ तक ले जाना चाहते हैं हम नहीं आपसे बताएंगे, लेकिन कहना हम जो चाहते हैं हम जो देशवासी है अब भारत की रक्षा के लिए एकजुट बनते शरद यादव के नेतृत्व में देश में शक्ति पैदा करना होगा। हम आपसे एकजुटता के बंधन में बनकर पूरे देश में आंदोलन 6 महीने काम करेंगे, जिससे हम देशवासियों का जो संविधान है जो अधिकार है उसका बचाने का काम करेंगे। हम समझते हैं कि दोबारा भारतीय जनता पार्टी आती है तो देश में लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, राजतंत्र आगे राजतंत्र से बचने के लिए ये ताना शाही को बचाने के लिए हम एकजुटता का परिचय देना होगा। आज तक जो प्रस्ताव आए हैं न्यायपालिका में जो न्याय की मंदी है वहाँ पर भी आरक्षण की बात तो छोड़ दीजिए, आरक्षण जो हम मांग कर रहे हैं 1995 से हम देश के जंतर मंत्र में हमने जो आंदोलन छेड़े काम किए थे उसके बाद हम न्यायपालिका में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की बहाली होती है उसमें क्या है हम लोग जो 185 की बहाली पतियों की साक्षात्कार होता है, लेकिन न्यायपालिका में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चयन होता है जजों की। यह परंपरा के विरोध में हमने संघर्ष छेड़ा था जब के माध्यम से IAS अध्यक्ष की बहाली होती है तो क्यों नहीं न्यायपालिका में न्याय के विषय का निर्माण किया जा रहा है। बच्चों को पढ़ने के लिए क्षमता उपलब्ध होना चाहिए, एक तरह की शिक्षा गरीब का बेटा हो या अमीर का बेटा हो, राजा का बेटा हो या फकीर का बेटा हो, सबको शिक्षा मिलने से शिक्षा का नुकसान हो गया। हम प्रयास करता है
लोगों को सिलेट हटाकर बजट जमा दिया है। गरीब लालच में नहीं पाएंगे, बजट में रह जाएंगे। हमको शिक्षा चाहिए, हमको स्वास्थ्य चाहिए, हम लोग को सम्मान चाहिए। ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, सब फेलियर है। ये नोटबंदी करकर केवल चुनाव जीतने के लिए, जिनके पास पैसा था लेके बैंक में जमा कर लिए, अपने चुनाव स्वयं भ्रष्टाचार कैसे रोकेंगे? जो विधायक कई वर्ष हो रहा है, तो हम लोगों को कौन गरीब को हम अफसर को इसे हर में इस बात को अंजाम देंगे। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम लोकतांत्रिक जनता दल के लोग हम लोग एकजुट होकर गाँव गाँव में घूमकर और संगठन बनाकर सदस्य बनाकर देश के सब जो समान रूप से पार्टी है उसके गठबंधन बनाकर इसे नरेंद्र मोदी को मुकाबला करने की आवश्यकता है। नहीं करते हैं जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान को यह विनाश करना चाहता है। जो आईएसएस के लोग हैं, मोहन भागवत के लोग हैं, ये लोग चाहते हैं जो सामाजिक न्याय को विनाश करना चाहते हैं, कई लोगों का अधिकार को समाप्त करना चाहते हैं। इसे मैं आगे करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में ही आज से हम लोग शुरुआत करते हैं सब एकजुट मिलकर अभी देश के इस जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उठाने के काम करेंगे। इन्हीं जन शब्दों के साथ मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, खर्म करता हूँ, उनकी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।